Dixon Menden var diyor. Şimdi de, ama kim ne doğru buradan? Ki, ama dostu eşit koyalım. Şimdi, on altına kadar. Billy Gomez, you be gone into the mother without Mark Bodam. It is a little bit of a difference. Continue with all of that. I'm going तरफ से दिल बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से डीटीए के तरफ से और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से सभी जगह सैनिटाइज कर रहे हैं, जैसे कि हॉस्पिटल हॉस्पिटल एक सेंसिटिव एरिया का हो गया, तो यहाँ पे पेशेंट लोग होते हैं, पेशेंट लोग आना जाना करते हैं, पेशेंट का पार्टी होते हैं, तो सैनिटाइज करना जरूरी है। इसलिए हम लोग ने दार्जिलिंग टाउन का जो हमारा पार्टी की तरफ से हमने आज जो केमिकल था तो केमिकल हमने सैनिटाइज किया, तो इसलिए आ गया। लेकिन आप मेरा भी दौड़ा यहाँ हो गया, डॉक्टर से भी बातचीत हो गई, यहाँ का नर्स से भी बातचीत हो गई, तो यहाँ पे जो किटी है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और इंफ्रारेड थर्मल ये सब कम है, तो उन्होंने कहा तो कल डीडीए को एक असाइनमेंट आ गया, ऐसे ही डीडीए का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर कुमार ने वो रिसीव किया हुआ, और उसके बाद में आज शायद सभी हॉस्पिटल में वो भेज जाएगा। लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट तो डिमांड जो है, जो डिमांड है रिक्वायरमेंट उतना सप्लाई हम कर नहीं सकते, क्योंकि ये पीपीई का जो है इंफ्रारेड थर्मोमीटर है जो भी है मास्क N95 मास्क है और दूसरा मास्क है, वो मास्क का जो सप्लाई है कम है। तभी भी हम लोग जितना भी है पीपीई ने कर रहे हैं, मनीष थापा जी ने और प्रिंसिपल सेक्रेटरी और जितना भी हमारा ऑफिसर है उसमें लगा हुआ है, हमारा प्राइम फोकस ही इक्विपमेंट और नेट के लिए, तो ये डीटेल की तरफ से कर रहे हैं, साथ ही साथ पार्टी की तरफ से कर रहे हैं सब, वो कम करना चाहिए। हम लोग प्रशासन की तरफ से भी और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी गवर्नमेंट की तरफ से भी हम लोग पार्टी की तरफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाइजेनिक हो, सैनिटाइज हो बाजार में, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है हेल्थ। जैसे कि सबसे वर्स बाजार अभी दार्जिलिंग बाजार हो गया, मैं खुला रूप से बंद बाजार, अब दार्जिलिंग कालीबुंग में चला जाइए या दूसरा बिजनबारी में चला जाइए, घुंजर मंगल में जाइए, सुनारा जाइए, फर्सियन जाइए, मीरी जाइए, कम है, लेकिन यहाँ पे इतना भीड़ हो गया, गाड़ी का चलाचल भी ज़्यादा हो गया। मैं प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि इनमें ज़्यादा स्ट्रिक्ट करें, और ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है पुलिस डिपार्टमेंट का आगे आना चाहिए, तो बिना काम में। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ जितना भी दुकानदार है वो जब दुकान खोलते हैं तो वो अपने आप को सैनिटाइज करें, दुकान को सैनिटाइज करें, मास्क लगाएं, और जो भी दुकान में खटने आते हैं उनको भी मास्क जो लगाया है उनको ही देना चाहिए, और मार्किंग भी करना चाहिए सोशल, ये सब नहीं किया है वो वायलेशन हो गया है लॉकडाउन का। तो गुजरात खासकर ये भी हो सकता है, कल एक तो इंसिडेंट आ गया उसका रिस्पॉन्सिबल कौन लेता है, उस टाइम भी फिर बोलते हैं कि प्रशासन ने नहीं किया, हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं किया, जीटीएस से नहीं किया, बंगाल सरकार से नहीं किया, या गोरखा मुक्ति मोर्चा से नहीं किया, ऐसे आते हैं। लेकिन पहले आपको जो गाइडलाइन है गाइडलाइन के ऊपर में अमल करना चाहिए। सुना चाह रहे हैं कि 15%